नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में, जहां पर हम आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। मैं आपका दोस्त आपके लिए नई नई जानकारियां लेकर आता हूं। तो यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर दें, तथा साथ में ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को विदित है कि हम जो कमेंट हमारे दोस्त लोग डालते हैं उस पर हम वीडियो ज़रूर लेकर आते हैं। तो अभी पिछली बार एक कमेंट आया था कि हमारे जो है एक भाई ने कमेंट डाला था कि हमारे पशु को अगर दस्त हो जाए, अपच की शिकायत हो, तो उस समस्या को उस समाधान के लिए हम क्या करें, डॉक्टर को बुलाएं, इंजेक्शन लगवाएं, देसी इलाज करें, क्या करें। अगर देसी इलाज करते हैं उसका रिजल्ट काफ़ी टाइम बाद आता है, डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाएं तो वो इंजेक्शन लगा के चला जाए, उससे दूध घट जाता है ताकि तथा और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि एलोपैथी के साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारी हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो जो हम आपको दवाई बता रहे हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, तो ये दवाई होम्योपैथिक की है, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट है। तो आप इसको प्रयोग कीजिए। अब आपको देनी कैसे है, इसका नाम मैं बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। इसका नाम है पोडोफाइलम। पोडोफाइलम 1 mg की पोटेंशी है इसकी, 1000 पोटेंशी है। तो आपको इसको देना कैसे, आप बड़ा पशु है तो उसको दिन में 3 बार आप 4 से 5 बूंदे उसको दीजिए। आप सिरिंज में भर कर दे सकते हैं, गुड़ की में मिला के दे सकते हैं, ओटी बना के दे सकते हैं, आटे में दे सकते हैं, केले में दे सकते हैं, कैसे भी आप दे सकते हैं, जैसे भी आप उचित समझें। और अगर आपका पशु छोटा है तो उसके लिए आप 2 से 3 बूंदे उसको दे सकते हैं, ज़्यादा उसको नहीं देना है, और 2 से 3 बार आप उसको देनी है। तो दोस्तों, जो भी हम जानकारी देते हैं वो पहले हम प्रयोग कर चुके होते हैं, उसके बाद ही हम अपने दर्शकों के सामने उसको प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों, हम जब भी हमारे पशु को कोई अपच की या फिर दस्त की शिकायत होती है तो हम यही दवाई प्रयोग करते हैं, और इसका 100% रिजल्ट है। अगर ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो आप इसकी मात्रा घटाया बढ़ा सकते हैं। इसके साथ में आपने चारे का बड़ा ही बैलेंस मेंटेन करके रखना है, आपको हरा चारा आपको बंद करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हमारी आज की जानकारी थी। आप आज की हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो में नीचे कमेंट लिख के ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को शेयर, लाइक और ज़रूर करें, तथा जो भाई हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट में हमें सुझाव दें ताकि हम आगे आने वाली वीडियो को और अच्छा और बेहतरीन बना सकें। तो आपके सहयोग ऐसे ही मिलता रहे, आपका प्रेम ऐसे ही मिलता रहे। तो आपका दिन शुभ हो। आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।